BHU का लॉ फैकल्टी सर दिस इफ यू वांट अ पीसफुल लाइफ डोंट कम बेस्ट है चाणक्य नहीं आई थिंक फ्री है शायद बहुत अच्छी होती है यार पढ़ने वाले वेलकम टू माय चैनल तो हम फिर से वापस आ गए हैं तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं BHU का लॉ फैकल्टी तो आज हम लॉ फैकल्टी का भ्रमण में निकले हैं और दिखाते हैं आपको लॉ फैकल्टी अंदर से कैसा है और यहाँ आके कुछ बच्चों से भी बात करेंगे और सुनते हैं उनका क्या कहना है लॉ फैकल्टी के बारे में सो स्टे ट्यून और देखिए ये रहा बड़ा सा पार्क बहुत बिल्डिंग के सामने एक बड़ी सी पार्क बनाए हैं और यहाँ सामने अभी बच्चे भी रिसेस चल रहा है बीच में एक से दो खाने का छुट्टी मिलता है तो बच्चे लोग खा के पी के यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं चलिए इनसे बात करते हैं सो दिस गाइस आर फ्रॉम एलएलबी बीएचयू म्यूजिक लगाया है कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फिर स्टेटस डालेंगे हाय अनुराग प्रवीण मिश्रा एंड दिस अभिलाषा हाय अभिलाषा इन दिस ग्रुप माय नेम इज धनुष Say about LLB BHU. How is it? If you want a peaceful life, don't come. देखो अगर पढ़ने का मन नहीं हो तो ही आना. पढ़ने का मन हो तो बताएं. नौ से पांच तक पढ़ाएंगे परसों के तक. जो से बोले भाई. नौ से पांच तक हमारा जीवन तबाह है. यदि ना खाने का समय है ना कुछ नहीं करने का. पांच के बाद ये लोग पार्टी करते हैं. चाणक्य मिस. Okay, you want to say something? बहुत ही बेस्ट है चाणक्य मिस तो. Administration. Super. I don't know the Hindi word, but my favorite is Surinder Mehra, sir. The best teacher, Surinder Mehra. JP Rai, best teacher. KMT. Bus. Thank you. Okay. No, I am. इनसे बात करके बड़ा मजा आया अब देखिए यहाँ अब बच्चे बैठे हैं पार्क है ये तो यहाँ बच्चे अक्सर बैठते हैं पढ़ते हैं ये इतनी सुंदर पार्क यहाँ सजाए हुए हैं अभी तो फूल लगाएंगे तो और ही निखर के आएगा हमारा लॉ फैकल्टी ये एक रास्ता है जो पीछे से जाती है और ठीक उसके बाद में उधर साइकिल स्टैंड है तो इसके अगर उधर जाते तो आप साइकिल स्टैंड रख पाएंगे कि हमारा लोन है इसके अंदर से आप डायरेक्ट ये मेन गेट है BHU का लॉ फैकल्टी का उसके पीछे और एक पीछे वाला भी गेट है जहाँ से उधर से भी एंटर कर सकते हैं यहाँ से भी एंटर कर सकते हैं यहाँ टीचर्स रहते हैं उनका केबिन है आप अगर टीचर से पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आप यू कैन गो एंड सीट विद देम यू कैन टॉक विद देम वट एवर एनी प्रॉब्लम आर देयर इन स्टडीज इफ़ यू वांट टू टेक एनी एडवाइस फ्रॉम देम तो आप यहाँ आके प्रोफेसर लोग से टीचर्स लोग से मिल सकते हैं यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल भी है जहाँ कोई एडवोकेट या फिर कोई सर जज आते हैं तो वहाँ हमारा कॉन्फ्रेंस होता है ये लाइब्रेरी जाने का रास्ता है दोनों सीढ़ियाँ हैं कोई भी सीढ़िया से जा सकते हैं एंड दे हैव मेड हियर लिफ्ट फॉर PH एनी स्टूडेंट्स आर देयर हु कांट एबल टू गो विद सीढ़ी देन दे कैन गो फ्रॉम दिस लिफ्ट अच्छी है हम लोग भी कई बार यूज़ कर लेते हैं दिस इज़ मी एंड ठीक इसके बाहर आप निकलेंगे तो देख पाएंगे कि राइट में एक खुली एक जगह है आई सेड यू कि इसके ठीक पीछे आप साइकिल स्टैंड बाइक या फिर कार रख सकते हैं तो पूछते हैं किसी से कि क्या है ये तो ये क्या है क्या बता सकते हैं ये विधि संकाय लॉ फैकल्टी का पार्किंग एरिया है यहाँ पर हम गाड़ी खड़ा करते हैं किसकी गाड़ी खड़ी रहती है यहाँ प्रोफेसर वगैरह और जो स्टूडेंट बाइक या साइकिल से आते हैं वो लोग गाड़ी खड़ा मतलब तो यहाँ गाड़ी खड़ा रखने के लिए रेंट कुछ देना पड़ता है नहीं आई थिंक फ्री है शायद सभी बच्चों के लिए हाँ फ्री है LLB BLLB हाँ फ्री है अच्छा टीचर्स लोग भी टीचर्स की भी गाड़ी यहाँ खड़ी रहती होगी ओके बहुत सुंदर नजारा है यहाँ पेड़ है बड़े बड़े यू फील वेरी गुड हियर यही तो ब्यूटी ऑफ BHU है तो अब हम जा रहे हैं अंदर फैकल्टी के ये ऑफिस एरिया है यहाँ सारे ऑफिस के काम होते हैं मोस्टली LLB का क्योंकि BLLB का जितना भी ऑफिस वर्क सारे लाइब्रेरी के ठीक ऑपोजिट में होते हैं मतलब ऊपर तो ये हमारे क्लासेस जोन है यहाँ हम लोग पानी भरने आ जाते हैं तो ठीक इसके लेफ्ट में LLB सेकेंड ईयर वालों का है और राइट में रिसेंटली वो लोग एडमिशन लिए हैं तो ये राइट में फर्स्ट ईयर LLB वालों का तो ये LLB सेकेंड ईयर वालों की क्लासेस चलती है यहाँ पे हर क्लासेस के पार्टिकुलर ऊपर एक नंबर दिया जाता है
तो व्हेन यू विल कम एंड यू विल गेट मेल फ्रॉम BHO तो वहाँ लिखा रहता है कि दिस इज योर रूटीन एंड दिस इज योर रूम नंबर, तो यहाँ 156 लिखा है, 155 लिखा है, 154, ये सारे क्लासेस के नंबर हैं, यू कैन गेट आइडिया फ्रॉम देयर कि अच्छा ये मेरी क्लासेस एंड आई हैव टू सीट देयर, ये चित्तोपुर जाने का रास्ता है जो लंका को कनेक्ट करता है। सो दिस इज क्लास, मैं दिखाता हूँ कि क्लास में किसे पढ़ते बच्चे। ये क्लासरूम है, क्योंकि क्लास ख़त्म हो गई तो सारे लोग, काफ़ी लोग चले गए हैं, तो मैंने सोचा एक क्लिप आपके लिए बना कर देता हूँ। तो यहाँ सारे बच्चे बैठते हैं और वी कैन डू क्लास हियर, यही हमारी LLB क्लासेस चलती है। तो ये ठीक बाहर, अब पीछे से निकलो तो ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक इसके पीछे ये महामन्ना सभागार है जो कनेक्टेड है LLB हमारे थर्ड ईयर वालों का क्लासेस है, और उसके ठीक पीछे हमारी लोक कैंटीन है। अभी दिखाते हैं आपको लोक कैंटीन हमारा, उसके अंदर क्या क्या खाने को मिलता है वो भी आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं हम लोक कैंटीन की तरफ। ये महामन्ना सभागार है, यहाँ प्रोग्राम सब होता है, अगर कोई बड़े कोई बड़ा और प्रोग्राम अगर हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो यहीं करते हैं, क्योंकि क्लासेस में उतनी जगह होगी नहीं, तो यहाँ जगह है बड़ा तो हम यहीं करते हैं। ये रहा हमारा लोक कैंटीन, तो हम यहाँ अक्सर जब भी गैप होता है, हमें चाय पीना हो, समोसा खाना हो या फिर, तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं और अपना समय बिताते हैं, इन्जॉयमेंट के लिए भी, बर्थडे सेलिब्रेट के लिए भी, वी कैन यूज़ दिस एरिया। तो अच्छा लगता है, बहुत सारे फ्रेंड एक साथ आ जाते हैं। ये लिस्ट है, यहाँ चाय, कॉफ़ी, इडली, मसाला, समोसा, आलू चाट, ये सब कुछ मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है। मेरा पर्सनल फेवरेट है यहाँ चाय, समोसा, छोला समोसा, उसके साथ मीठी चटनी और पोहा, क्योंकि हम लोग अक्सर सुबह को 10 बजे या फिर 9 बजे क्लासेस होती है, तो हम लोग यही खा के क्लास करते हैं। फिर ये बाहर का एरिया है, यू कैन सी बैक साइड, मोस्टली बैक साइड है जो कैंटीन और महामन्ना सभागार से दिखता है, और ये ठीक रास्ता है जो चित्तोपुर और लंका को कनेक्ट करता है। तो यहाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं BHO के LLB वाले, तो मैं से कुछ, एक्सक्यूज मी सर, कैन आई गेट टू थ्री क्वेश्चन? तो सर यहाँ LLB एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ता है? LLB एडमिशन हमारे टाइम पे तो BHO LLB होता था एंट्रेंस, अभी CUET से एडमिशन होता है, CUET का आपको UG का फॉर्म भरना पड़ेगा। ओके, तो आप कौन से ईयर में पढ़ते हैं? मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ, थर्ड सेमेस्टर है। तो सर यहाँ पढ़ाई कैसी होती है LLB की? पढ़ाई बहुत अच्छी होती है यार, पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो वैसे कोई भी जगह सही है, बट प्रोफेसर्स वगैरह सब बहुत अच्छे हैं। बहुत बच्चे बोलते हैं रेगुलर क्लासेस होती है, पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता, एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए सब ये सब। कभी आइए जब पढ़ाई करनी हो आपको, ऐसी जगह नहीं है, ये मस्ती वस्ती करनी है, पढ़ाई करनी हो तो आओ, नहीं करनी तो बहुत लॉ कॉलेजेस हैं, इतनी मेहनत क्यों करना, एंट्रेंस के लिए भी बहुत पढ़ना पड़ता है। तो सर यहाँ ज्यादा लोकल वाले रहते हैं ना, दूर दूर से भी बच्चे आते हैं? दिल्ली से आए हूँ यार। अच्छा, आप दिल्ली से हैं, थैंक यू सर। तो फाइनली हम आ गए अपने वीडियो के एंड में, ये रहा शाम का थोड़ा सा नज़ारा, तो लीजिए मज़ा और बताइए कैसा रहा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू, बाय।